हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रिंस शर्मा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना जो फ़ोन का स्टोरेज है उसको एम्प्टी रख सकते हैं, क्लियर रख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने फ़ोन के यूज़ कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो में आपको टोटल हेल्प मिल जाएंगे और आपका जो फ़ोन है वो 16 GB से 32 GB हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कुछ टिप्स दूंगा, अगर उस टिप्स को आप फॉलो करते हैं तब आप अपना सारे काम कर सकते हैं अपने फ़ोन में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे मेरे फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं दो तरीके के चीज़ बताऊंगा, दो टाइप से आप चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल प्रिंस सलमान के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले मेरे फ़ोन स्टोरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन डिवाइस जो है वो 778 MB अवेलेबल है। अभी मैं चला जाता हूँ मेरे मतलब यहाँ पर अपने ऐप्स पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कितने ऐप्स यूज़ करता हूँ, गेम्स यूज़ करता हूँ, यहाँ पर सब कुछ सारे सोशल्स यूज़ करता हूँ दोस्तों। अब कैसे मैं अपने जो फ़ोन का स्टोरेज है उसको क्लियर रखूँ, तो पहले आपका जो काम है वो है आई मैनेजर में जाने के बाद आप उसको क्लियर रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेस क्लीन अप, आप यहाँ पर जाके एम्प्टी ट्रैश जो है आप वहाँ पर चले जाइए। यहाँ पर कितने MB होता है वो उतना फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 228 MB जो है कैच है आपका, रिमूव हो जाएगा। इसको रिमूव करने के बाद कुछ और भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं, शायद आप यहाँ से उस चीज़ों को मिस कर देते हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर WhatsApp की, तो यहाँ पर देखो WhatsApp का टोटल स्पेस लिया है 505 MB। TikTok का बात करूँ तो TikTok अलग बात है, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर WhatsApp में बात करूँ दोस्तों तो 505 जहाँ पर आप देख सकते हैं चैट हिस्ट्री है 50.94 MB, तो मैं चैट हिस्ट्री को डिलीट कर दूंगा, इससे मेरा जो 50 MB है वो स्पेस कम हो जाएगा, जो चैट हिस्ट्री कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 0.89 GB अवेलेबल हो चुका है। अब दोस्तों आपको कुछ काम करना पड़ेगा, अगर आप सोचते हैं आप फ़ोन में पबजी रखेंगे साथ ही साथ सारे सोशल करेंगे तब नहीं होगा दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन में पबजी रखते हैं और साथ ही साथ अगर आप सारे सोशल करना चाहते हैं तब नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन में पबजी रखेंगे, जैसे मैं इस महीने अपने फ़ोन में पबजी नहीं खेल रहा हूँ। इसीलिए क्यों नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि इस महीने मैं अपने फ़ोन में टिकटॉक रखा और भी बहुत सारे जो सोशल है इंस्टाग्राम सब कुछ रखा, इसीलिए यहाँ पर सावे सर पर गेम रखा, इसीलिए मैं इस फ़ोन में अभी पबजी इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं पबजी खेलना चाहता हूँ तब मुझे टिकटॉक नहीं रखना चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं रख पाऊँगा, साथ ही साथ फेसबुक की बात करें तो फेसबुक भी नहीं रख सकते। तो अगर आप फेसबुक यूज़ करना चाहते हैं तो फेसबुक ये सब का लाइट वर्जन यूज़ कीजिए। यहाँ पर देखिए मैं फेसबुक लाइट यूज़ करता हूँ, सिर्फ 2 MB में आ जाता है ये सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सेम टू सेम एक ही काम करता है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सब कुछ यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप पहले जो मैंने बात किया कि आप पहले जो है लाइट वर्जन अपने सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, और उसके बाद आपका जो मतलब कैमरा है तो कैमरा भाई आप एक काम कर सकते हैं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो स्टोरेज है दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद आपका जो काम होगा कैमरा में वो है यहाँ का जो है स्टोरेज। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो स्टोरेज है वो SD कार्ड सिलेक्टेड है। आप अपने फ़ोन स्टोरेज अगर है तो उसको SD कार्ड में कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप SD कार्ड में कर देते हैं तो आपको जो करना होगा, आप अगर अपने फ़ोन में जितने सारे फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे, जितने सारे वीडियोज़ आप उठाएंगे अपने फ़ोन से, सारे जो वीडियो सब कुछ है आपका चला जाएगा डायरेक्टली SD कार्ड में। अगर आप यूज़ करते हैं Vivo i71, तो आपका सबसे बढ़िया जो चीज़ है आपको एक SD कार्ड रखना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे मेरा डिवाइस इसे बिल्कुल कम क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन उसको, उसका जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो जाकर डिवाइस में चला जाता है। तो यहाँ पर मेरा पहला काम हो गया है एक SD कार्ड रखना, दूसरे काम अपने फ़ोन में कैमरे के सेटिंग में जितने सारे चीज़ें हैं उन सबको SD कार्ड में नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रख देना, और फिर मुझे SD कार्ड में लगातार जाना है। यहाँ पर आके आपको क्लीन रखना पड़ेगा WhatsApp को, WhatsApp में अगर आप मीडिया पे जाते थे यहाँ पर बहुत सारे वीडियो वगैरह आपको मिल जाए, जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते हैं यहाँ से उन सारे चीज़ों को आप यहाँ से डिलीट कर दें। उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं सेंड किया, जो चीज़ मैं सेंड किया उसका तो ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे बहुत सारे चीज़ें मिल गया, तो यहाँ पर इतने सारे वीडियोस भी मैं नहीं देखता हूँ, जो सारे वीडियोस को मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ऐसे आप डिलीट कर दीजिए।
ऐसे चीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि WhatsApp का जो डिफ़ॉल्ट है वो SD कार्ड में जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपने फ़ोन में आके WhatsApp जो है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कुछ और काम भी करना पड़ेगा, जैसे आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हो तो आपका जो स्क्रीन शॉट है दोस्तों वो आके स्क्रीन शॉट में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट आ गया, तो आपका यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट आप जो है आप यहाँ पर भी क्लीन रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, सब कुछ आप जिस जो जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए या फिर काट करके अपने SD कार्ड में रख दीजिए। इससे क्या होगा, SD कार्ड में आपका स्टोरेज होगा, डिवाइस जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा। तो ऐसे कीजिए, अब चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब मैं बिल्कुल यूज़ करना नहीं चाहता पबजी और सब कुछ रखना चाहता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप नॉर्मली पबजी इंस्टॉल कर दीजिए, आप साइबर साइबर खेलिए, साथ ही साथ और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। यहाँ पर देखिए अभी भी लगभग 1 GB तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसे जो है 1 GB तक आपको मिल जाता है, तो आप और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप लाइट वर्जन यूज़ कर सकते हैं हर एक सॉफ्टवेयर का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे स्टोरेज, ऐसा कोई भी टिप्स नहीं है कि आप स्टोरेज में ऐसा कर दें, मतलब ऐसा कोई ट्यूटोरियल नहीं है कि आप स्टोरेज को खाली रख सकते हैं, लेकिन इसका टिप्स जो मैंने आपको बता दिया, अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपका स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मेरे स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि जो आई मैनेजर के बारे में बताया था, मैं हर रोज़ क्या क्लीन करता हूँ या फाइल मैनेजर का हर रोज़ करता हूँ, बिल्कुल नहीं। हफ्ते में एक दिन मैं करता हूँ यहाँ पर आई मैनेजर में आके क्लीन करता हूँ, और हफ्ते में एक दिन मैं फाइल मैनेजर में जाके जो मेरा फाइल है इस डिवाइस में उसको मैं SD कार्ड में रख देता हूँ। इससे क्या होता है, नॉर्मली मिनिमम ऑफ मेरा 1 GB से 1.2 GB तक मेरा डिवाइस स्टोरेज जो है बिल्कुल खाली रहता है दोस्तों। तो ये थोड़ा टिप्स था मैंने जो आपको बताया, अगर ये टिप्स से आपको कुछ जानकारी मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मुझे कमेंट करना कि मैं आपको बारे में और क्या बताऊं। अगर और भी ज़्यादा टिप्स आप चाहते हैं स्टोरेज को लेकर तो कमेंट जरूर करना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और भी बहुत सारे टिप्स हैं, मैं सिर्फ एक सोशल के ऊपर स्टोरेज में सिर्फ आप अपने फ़ोन में जो सोशल साइट्स है सोशल ऐप है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक टिप्स आपको बता दूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर अपने चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी टच कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, मैं हूं प्रिंस सर, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल प्रिंस सलमान।